फुरकान भाई इनको ट्रेन से लटकने की आदत है एंडोविल में। मसला ये है कि उनको नल्ली निहारी खानी थी पाए वाली, लेकिन लफड़ा ऐसा हो गया कि पाए वाली नल्ली निहारी है ना है। तो गाइस ये रही नल्ली निहारी, ये देखो दादा का संडास का पार्टी का, ये दादा बोलता हूँ मैं भाई, मेरे दादा ने बोल रहा हूँ। तो गाइस आज की सबसे पहली डिश है अपनी, वो है हैदराबादी हलीम। होला चिकोस, कोमो एस्टा तो दोस्तों, कैसे आप लोग, आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं ना, 12:30 बज रहे हैं, और मैं रुका हूँ इधर डेक्कन पे क्योंकि मुजम्मिल भाई लोग आ रहे हैं मुंबई से, लेट निकले थोड़ा, और थोड़ा वेट करते करते मैं बोला चलो कुछ पीते हैं, तो इन्होंने बोला चलो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। अभी रात का टाइम पे हॉट पीऊँगा नहीं क्योंकि खाना वाना सब इधर रेडी है, खाना भी लेके आया हूँ मैंने, मतलब ये हजरत ने ही मंगाया खाना, ये बाबा मेरा इन्होंने ही मंगाए, क्योंकि लफड़ा ऐसा था कि अगर मैं इधर आता, मुझे ये डर था कि मैं लेट आता इधर तो प्रॉब्लम हो जाती और खाना भी नहीं मिलता, ये लोग को भूखा तो नहीं रहना पड़ता, लेकिन आगे कैसा क्या मिलता खाना मुझे भरोसा नहीं था, तो मैंने इनको बोला था ऑर्डर करके रख दो। तो अभी देखते हैं, पैकेजिंग तो एक नंबर किया है उसने, फिलहाल मैं ये पीता हूँ, उनका वेट करता हूँ, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर मेरा वाला हैदराबादी मूड ऑन हो जाएगा, तो फिर देखो क्या होता है। तो गाइस मैं इधर कितने देर से रुका हूँ, मेरे सामने से इधर से जा रहे हैं ये लोग, अभी देखो वहाँ से फुरकान भाई आ रहे हैं, तो घुमा के आ रहे गाड़ी उधर से ये लोग, तो इसके बाद भाई ये सब खाना मेरे को लग रहा है ख़राब ना हो जाए, इसलिए फटाफट इनको खिलाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखो रास्ते में खाना चल रहा है, कैसा अरबाज भाई टेस्ट? अच्छा है, सही में अच्छा है टेस्ट, तो 2 घंटा हुआ लेके। वो वाला भी फ्राइड राइस इनका, इनके सामने रख दो, ये इसमें भी फ्राइड राइस ही है, तो अभी फटाफट से निकलेंगे। गाइस ये लोग देखो इजरायली प्रोडक्ट पी रहे, बच्चे लोगों का खून, मैंने लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, ये मार्केटिंग नहीं करने का, ये इजरायली खून ही है ये। अच्छा ये दिखाओ कौन सा, ये इजरायली का अब्बा ही है, मॉन्स्टर अब्बा। तो गाइस ये वाला इजरायली नहीं है, और ये फुरकान भाई इनको ट्रेन से लटकने की आदत है एंडोविल में, सीधे गाड़ी में बैठने के बाद भी टांग मार रहे कैसे अच्छे है टेस्ट इसका, जो ये लोग पियो सब जन मारो वो दे उसको दे, हम लोग नहीं पी। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं सोलापुर से 100 किलोमीटर पहले, और अभी इन लोगों को हकना आया तो उधर गए हकने के लिए, और इतनी गंदी संडास थी कि उसके नीचे क्या बोलूँ, ब्रेड का हलवा जैसा पूरा भरा हुआ था, तो हम लोग तो गए नहीं, हम लोग आगे आके दूसरे पेट्रोल पंप पे करेंगे। चाय पीने के लिए बैठे और मुजम्मिल भाई को मैं यहाँ बैठे लेकिन दिखा नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो येलो डॉलर आ जाएगा मेरे चैनल पे और ये देखो अपना दोस्त इधर इधर बेटा, बिस्किट खाएंगे, ये लोग आएंगे तो उसके बाद चाय मंगाते फिर चाय पीते। लगभग हम लोग को लग रहा है कि सुबह के 7-8 बजने वाले, ना अभी तो 4 बज रहे, 10 बजने वाले मेरे को लग रहा है, देखते अभी कितना टाइम लगता है और कल का क्या प्लान है अब तक मेरे को मालूम नहीं हुआ। तो गाइज अभी हम लोग खिला रहे हैं अपने रानी को, अभी हम लोग के बीच में डिबेट चल रहा था, मुजम्मिल भाई मेरे बीच में कुत्ता है कि कुत्ती है, तो मेरे को नीचे झुकना पड़ा लेकिन मुजम्मिल भाई ने ऊपर से देख के बोल दिए कि कुत्ती है बेटा ले बिस्किट खाएंगा ना, खाएंगी सॉरी, तो बिस्किट खिलाता हूँ रुक जा, ले खा, ठीक है कुछ कुछ कुत्ते बिस्किट खाते नहीं खाते, खा ली बेटे खा, बेटी हाँ बेटी खा। तो गाइज हम लोग को पता ही नहीं था इसकी डिक्की कैसे खुली, अपना सॉरी पेट्रोल का टैंक कैसे खुलता है, और सगीर फुप्पा का बेटा है वो उठा नहीं था, तो फुरकान मैंने सगीर फुप्पा के बेटे को नींद में से उठाए। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी हम लोग पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ तो पहुंचे हैं, और अभी हो रहा है ये देखो सनराइज एकदम खूबसूरत से, और ये रही कार, वहाँ गए अरबाज भाई, तो फिलहाल हम लोग पहुंचने में लगभग 11 बजने वाले हैं हम लोग को, क्योंकि रास्ते रात के टाइम पे भाई स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, और अभी सुबह हो गई है तो स्पीड भी मेंटेन होंगी, अभी तक तो नींद नहीं आ रही है, तो सुबह में जैसे ही पहुँचेंगे आराम से जाके सो जाएंगे। और सबसे खतरनाक भाई यासीन भाई है, ये देखो निकले जब से यासीन भाई सोए आराम से,
तो गाइज अभी हम लोग बैठे हैं मंदा रेस्टोरेंट में और मेरे साथ में है मुंह पे रुमाल डालो फुरकान भाई। और फुरकान भाई का मसला ये है कि उनको नल्ली निहारी खानी थी पाए वाली, लेकिन लफड़ा ऐसा हो गया कि पाए वाली नल्ली निहारी है ना, है पाए वाली नली निहारी है। देखो ये जो फुरकान है ना, फुरकान हाँ, मुफीस ये हाँ, क्या करता है ढाबे पे भी आता है ना हाँ, तो ये कुछ खाता नहीं है, सिर्फ हुक्का पीने आता है बस बस हाँ, सिर्फ हुक्का पीने आता है और दिन भर थम्स अप चाहिए, दिन भर उसको चाहिए मॉन्स्टर चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन आज इधर स्पेशली 800 किलोमीटर दूर ये क्या खाने आए, नली निहारी वो भी न्यास की नली निहारी खाने आए, ये जमाती है। नहीं काय को कट करना पड़ेगा, जो है हकीकत बात वो है ना भाई। ठीक है चलेगा, मैं ब्लर नहीं करूंगा। देखो ये खास आयरलैंड से है, आयरलैंड से ये देखो ये जा रहे अपने ये बादशाह खान है ये। तो गाइस ये रही नली निहारी, ये देखो एक नंबर के। और अरबाज भाई ने और चाचू ने हम लोग ने जो खाए थे ना आगरा में वो सबसे बेस्ट थी, लेकिन इसका टेस्ट भी रिव्यू देता हूँ आपको मैं। और इसके साथ है ये वाले नान, तो खाते फटाफट से। तो गाइस खाने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आई और हम लोग ने खट्टी दाल और खट्टी दाल बघारा ऐसा कुछ तो भी था, हम लोग ने वो खाए। मतलब लास्ट टाइम भी देखे थे इसलिए खाए नहीं थे, लेकिन इस बार खाए तो भाई अच्छा लगा और एनर्जी आई, तो मैंने शूट किया अभी। तो गाइस खाने के बाद अभी हम लोग खा रहे हैं ये क्रीम सैलेड है और ये वाला है शहतूत मलाई, ये देखो लो शहतूत का सीजन है शायद इधर पे। बहुत बड़ी हुक्के की दुकान है, हुक्के की दुकान है ना इधर, वो देखो हाँ, एक नंबर। अरे इधर नंबर है। अभी हम लोग आए थे चाय पीने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ देख के एक चीज की याद आ गई। तो ये देखो दादा का संडास का पार्ट दिखा है, ये दादा बोलता हूँ मैं भाई, मेरे दादा ने बोल रहा हूँ दादा का संडास का पार्ट दिखा है, तो पुराने जमाने का कोई तो पी रहा था। लेकिन अभी हम लोग की चाय आ गई, तो भाई फटाफट अभी चाय पीते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग को जाना है शादी में और शादी का खाना आपको पता है एक नंबर होता है, तो जाते हैं। तो गाइस ये देखो ट्रैफिक इतनी है और हम लोग को पहुँचना था 9:30 बजे तक, लेकिन अभी 9:30 बजने आ गए हैं, 5 मिनट बचे हैं। और ये ट्रैफिक देखो, दो बार चाचा के झगड़े होते होते बचे हैं, लेकिन क्या चाचा शांत है इसके वजह से। अभी थोड़ा हैदराबादी स्लैंग में आता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ। तो यार वो हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद की शादी में दूसरी टाइम, पहली शादी हम लोग ने अटेंड करे थे किसकी, अल्तमज भाई की। तो ये वाली शादी हमारी दूसरी शादी है, तो जाएंगे देखते हैं क्या क्या डिशेज है और क्या क्या डिफरेंट हम लोग आज खाने मिलने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में आ रहा हूँ मैं हैदराबादी से, तो चलते हैं। और कितना टाइम लगता है पता नहीं, इधर से मुशीराबाद जा रहे हैं हम लोग। और वैसे तो हम लोग वो वाले ऑटो में हम लोग 6 बैठ सकते थे, पीछे 5 आगे एक, लेकिन हम लोग सब थोड़े हट्टे कट्टे हैं, तो ठीक है हाँ तो नहीं हो सकता है पॉसिबल वो, तो फटाफट से अभी पहुँचते हैं, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ बाकी सारी चीज़ें। आज की सबसे पहली डिश है अपनी, वो है हैदराबादी हलीम। और भाई दावत की हलीम जो एक साथ बनती है देखने, उसका टेस्ट सबसे मस्त होता है। वो सब खा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन टेस्ट करते हैं हलीम। और गाइस बाकी सारे स्टार्टर में है, ये फिश है, ये एक रोल है और चिकन है और ये भी रोल है और बाकी सारे आइटम है, बाकी एक एक करके बताता हूँ मैं खाते खाते आपको। तो गाइस बिरयानी खाने के बाद डेजर्ट में है ये गाजर का हलवा, बहुत ही मस्त है। और वहाँ पे देखिए वहाँ पे है बासुंदी, रबड़ी, कस्टर्ड जैसा कुछ तो भी है, वो खाऊँगा तब बताता हूँ भाई। एक मुजम्मिल भाई भाग गए, लेकिन भाई एक नंबर है ये कस्टर्ड, ये देखो। तो गाइस मेरे ऑटो व्लॉग में आपका स्वागत है, मोटो व्लॉग नहीं है, हेलमेट नहीं है, ये ऑटो व्लॉग है। गिरा होता अभी किसने मारा माधव, मैं नहीं बोलता, बहुत जोर से लगा मारा हूँ पीछे, वैसे भी कैमरे में आ गया होगा किसने मारा हूँ। और यासिन भाई को पीछे बैठने का था, उनको चाहिए था आते टाइम पे पीछे बैठूं, अभी उनको बैठने का चांस मिला है पीछे, आगे बैठने का, हाँ सॉरी आगे बैठने का चांस मिला है। तो फटाफट से पहुँचते हैं उधर पे और जरा थोड़ा गाड़ी का मसला हुआ है, वहाँ जाके देखते क्या मसला है। गाइस अभी एक लफड़ा हो चुका है, वहाँ गाड़ी लगा के आए और वैसा भी आते तो चलता, क्योंकि आने आने में 1200 रुपये चले गए, उतने में तो भाई 2-3 बार हम कार से आ सकते थे, क्योंकि कार ने माशाल्लाह बहुत अच्छा माइलेज दी। बस अरबाज भाई को बहुत गर्मी हो रही थी, इसकी वजह से माइलेज कम मिला, अलहमदुल्ला अच्छा हुआ था, वो एक कंटिन्यू एसी चालू था कार का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, तो इन लोग क्या लड़ने वड़ने वाले, तो जो भी लड़ने वड़ने का सीन होता है तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो गाइज ये नेक्स्ट डे है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और
रात में मैं जल्दी आके सो गया था, कितना पेट भर के खाना खाया था तो नींद आ गई थी। तो वीडियो को यही एंड करते, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, दूसरी प्लेस जा रहे हैं, आपको दूसरे पार्ट में देखने मिलेगा। गाइस जाते वीडियो को देख लिया, लाइक करना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।